आपका क्या विचार है? वैसे तो आपका विचार भारतीय जनता पार्टी विरोधी ही रहता है, मैं आपको पहचान रहा हूँ, लेकिन बावजूद इसके चूंकि विरोधी और पक्ष की बात नहीं है, जो लोग भी यहाँ बैठे हैं अपनी बात कहते हैं। ये जो राहुल गांधी कह रहे हैं, बीजेपी तो इस बात में उसके तर्क है कि राहुल गांधी सबसे जाति पूछते चले, तो ठीक है, सेना में, पत्रकारों में, मीडिया में, क्या नाम है, बजट बनाने वाले अधिकारियों में, हलवा बटने में, हर जगह वो सबकी जात पूछे तो ठीक, अगर हमने कह दिया तो उनको इतना बुरा लग गया, इंसल्ट हो। देखिए, राहुल गांधी जो पूछ रहे हैं वो ये पूछ रहे हैं कि भाई जो नीचे का तबका है, ओबीसी है या और हैं, इनकी कितनी संख्या है और कितने जो है ऊपर ये पोस्टों पे काबिज हैं या बैठे हुए हैं, या कुछ 10% लोग ही जो है सारी जो है अपने आप में समेटे हुए हैं। बात सिर्फ जात की नहीं है, बात है कि बाकी जातियों को पूरा रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। ये बात तो रिप्रेजेंटेशन की है, ये लड़ाई उसके खाली जात पूछने का नहीं है। वो इसलिए नहीं पूछ रहे हैं कि जो है किसी को जो है छोटा कर रहे हैं जात पूछकर। ये जो संसद में पूछा गया राहुल से, वो ऐसा लगता है कि जैसे कि किसी को जो है नीचा करके दिखाया जा रहा है। वो उसमें उनकी भावना तो हमेशा, वो तो कह रहे हैं कि मैं तो जो है जब तक जातिगत जनगणना नहीं कर लूँगा तब तक मैं सांस नहीं लूँगा। और इस गणना के पीछे तो सिर्फ यही है ना कि जितने जितने लोग हैं, चाहे वो ओबीसी हैं, चाहे वो एससी हैं, वो एसटी हैं, उनकी जितनी जनगणना है, अब वो संख्या है, उस हिसाब से उनको न्याय मिलना चाहिए। जबकि बीजेपी इससे भाग रही है, क्यों? उसने तो शोकेसिंग कर रखी है। जब मनमोहन सिंह की सरकार थी, जातिगत जनगणना कराई थी, तो सार्वजनिक क्यों नहीं किए आंकड़े? देखिए, कर्नाटक में कराए, कांग्रेस ने क्यों नहीं किए सार्वजनिक आंकड़े? कांग्रेस शासित जितने राज्य हैं उसमें क्यों नहीं कराते? सब में कराएं, सब में सार्वजनिक करें। देखिए, इनको करानी चाहिए, इसमें कोई दो राह नहीं है। और जब ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट में जिस टाइम ये आएंगे तो इनको एक डिसीजन लेना पड़ेगा। और सभी स्टेट में ये तो जो है, हम ये क्यों ना माने कि भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2014 से जब कोई तोड़ नहीं जोड़ ढूंढ पाए, तो अब जातिगत जनगणना का तोड़ ही उनको दिखाई दे रहा है कि एक तरफ आप जो है धर्म के हिसाब से जाति का कार्ड खेलो। तो मोदी जी को भागना क्यों चाहिए, जब वो खुद ही ओबीसी बन गए, जब ओबीसी बन गए और ओबीसी की लड़ाई जो है कांग्रेस लड़ रही है, तो उनको तो इसके साथ आना चाहिए। वो तो ये बतलाते हैं जी इतने हमने यहाँ रख लिए ओबीसी, इतने ओबीसी बा मिनिस्टर बना दिए। वो गिनती के जो शो केसिंग है वो नहीं होना चाहिए, आज इनको फुल रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। आप जो है ये तो बहुत गलत तरीके का है मोदी जी का जो, और वो तो उन्होंने जो है अपने ही पेन से अपने ही दस्तक करके अपने आप को जो है ओबीसी बना लिया। बतलाइए वो कहाँ तक जो है ओबीसी के लिए लड़ेंगे? बात आपकी सही है, भारतीय जनता पार्टी जब मिनिस्टर्स गिनवाने की बात होती है, जब सांसदों को गिनवाने की बात होती है, जब मुख्यमंत्रियों को गिनवाने की बात होती है, तो बहुत ही मजबूती के साथ वो ये देते हैं कि फला पद पर हमारे मुख्यमंत्री हैं, फला पद पर ये है वो है। दरअसल राजनीति बिना जाति के बगैर हिंदुस्तान में मंडल आयोग की सिफारिशों के लागू होने के बाद, चाहे बात कोई करे, दल कोई हो, नेता कोई हो, जाति सबसे कड़वी हकीकत है और उसको ध्यान में रखकर ही वो राजनीति कर सकता है। बहरहाल कुछ और लोगों से बात करता हूँ, आपका भी कुछ कहना है? हाँ जी, ऐसा है कि जिस कॉन्स्टिट्यूशन को ये लहराते फिरते हैं सारे के सारे, उस कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने वाले डॉक्टर अम्बेडकर ने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। उसमें उन्होंने कहा था कि जो कास्ट है उसको नष्ट कर दिया जाना चाहिए, इस कास्ट की वजह से हिंदू आपस में लड़ते रहते हैं। जब वो मिनिस्टर थे तो जो ब्राह्मण पीएन थे उनके मेज के ऊपर फाइल फेंक के जाया करते थे, उनको अपने दफ्तर में पानी नहीं मिलता था पीने के लिए, डॉक्टर अम्बेडकर मिनिस्टर थे तब। तो ऐसी जो मानसिकता है इसको खत्म कर देना चाहिए। उन्होंने कहा था कि कास्ट, वो गए थे महाराष्ट्र के उस किले में, बाबा साहब अम्बेडकर ने वो पानी का वो पी लिया था, तो दरबान ने कहा तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ी कि तुमने पानी पी लिया, तो और फिर वहाँ आंदोलन छेड़ दिया। वो तो किताब मैंने भी पढ़ी है साहब। तो बात तो ये है कि जो जातिवाद का दंश झेलता है, जो जिस में पैदा हो गया और जो देखता है कि दो हाथ पैर मेरे हैं, मेरा क्या, ईश्वर ने तय किया है, ईश्वर ने तय किया कि मैं कहाँ पैदा होऊंगा, इसमें मेरी कोई देन नहीं है, मेरा कर्म, मेरा
उसका परिणाम हो सकता है। जब आदमी को जात के हिसाब से कई प्रिविलेज मिलती है, जात के हिसाब से उसे कई काम मिलता है, और जात के हिसाब से उसे काम नहीं मिलता है या उसे कहीं नीचा देखना पड़ता है, तब उसको जातिवाद का दंश झेलता है और वो इसकी खिलाफत करता है। लेकिन बड़ी बात ये भी है हिंदुस्तान में, मैं आपको बताऊं, समाजवाद की, जाति विहीन समाज की, और खास करके समाजवादी चिंतकों में आप देखिए ज़्यादातर फॉरवर्ड है, और उन्होंने ही वकालत की कि जाति समाप्त हो। ये भी एक खूबसूरती है। दूसरी देखिए खूबसूरती, अगर इस देश में मंडल आयोग पिछड़ाओं के लिए कोई लागू किया तो विश्वनाथ प्रताप सिंह जो राजपूत हैं, जो छत्री हैं, जिनके ऊपर कहा जाता है भाई यही राजा थे, यही लोग राज करते थे, ये उस जाति के विश्वनाथ प्रताप सिंह हैं। अगर उच्च शिक्षा संस्थानों में आरक्षण लागू किया तो वो भी अर्जुन सिंह थे, हाँ वो भी क्षत्रिय समाज के थे, मानते हैं आप? हाँ जी। और समाजवादी चिंतकों में जो लोग हैं, आप देखते होंगे नेताओं की फेहरिस्त भी देखिए, जेपी को देखिए, लोहिया को देखिए, चंद्रशेखर को देखिए, जनेश्वर मिश्रा को देखिए, मधु दंडोते, मधु लिमे, जॉर्ज फर्नांडिस, कितने लोगों का मैं नाम लूँ। तो लेकिन